सुप्रभात। कक्षा 4, आज हम हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका पाठ 14 शीर्षक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम अनेक शब्दों का प्रयोग न करके सिर्फ एक ही शब्दों का प्रयोग करें, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग न करके एक ही शब्द का प्रयोग करें, वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करने से फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि जो भाषा है ये और ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है और भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, संक्षिप्त रूप में मतलब छोटे रूप में आ जाता है। तो ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हुए जिनके हम उच्चारण करेंगे, आप भी इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। अपने देश का स्वदेशी, जो हमारे देश की चीजें हैं उसे एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? स्वदेशी। दूसरे देश का, जो दूसरे देशों से चीजें आती हैं वो क्या कहलाती है? विदेशी। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ मतलब जिसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े, उसे बोलते हैं दुर्लभ। एक शब्द है। प्रतिदिन किया जाने वाला, जो हम रोज का कार्य करते हैं उसे दैनिक। प्रतिदिन, प्रतिदिन किया जाने वाला क्या काम कहलाता है? सप्ताह में एक बार, जो काम सप्ताह में एक बार होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक। जैसे रविवार को सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, किस दिन? रविवार। तो साप्ताहिक बजाय रविवार को लगता है, तो सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, माह में एक बार होने वाला मासिक और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, सुनने वाला श्रोता, जो हम बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं और जो सुन रहा है, तो जो सुनने वाला है उनको क्या बोलेंगे? श्रोता। देखने वाला दर्शक, जो बैठकर देख रहे हैं उसे बोलेंगे दर्शक। भाषण देने वाला वक्ता मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाले को क्या बोलेंगे? वक्ता। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिसका आने की कोई तिथि ना हो। बड़ा भाई अग्रज, जो हमसे बड़े भैया है उन्हें क्या कहेंगे? अग्रज। और जो छोटा है उसे बोलेंगे अनुज। मांस खाने वाला मांसाहारी, और जो साग सब्जी खाने वाला होता है उसे बोलते हैं शाकाहारी। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो विद्यालय में पढ़ते हैं उन्हें विद्यार्थी कहते हैं। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जिसे इंग्लिश में आप क्लासमेट कहते हैं, जो आप एक साथ कक्षा में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं सहपाठी। जो मीठा बोलता है मृदुभाषी, जिसकी आवाज में मिठास है, मीठे स्वर में जो बात करता है उसे बोलते हैं मृदुभाषी। जो कठोर बोलता है कड़े सर कर्कश, उसे बोलते हैं कटुभाषी। जो खेती करता है किसान, जिसके दिल में दया हो, दया की जिसके मन में भावना होती है ऐसे लोगों को दयालु कहा जाता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो बोल ना सके मुख, जो मुंह से नहीं बोल पाता है, जिसकी आवाज नहीं निकलती है ऐसे लोगों को मुख कहा जाता है। अधिक बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसे बोला जाता है वाचा। कम बोलना, कम बोलने वाला, जिसकी आदत कम बात करने की होती है ऐसे लोगों को बोलते हैं मितभाषी। आसानी से प्राप्त होने वाला ऐसा काम, जिसे हमें कोई भी चीज आसानी से प्राप्त हो जाए, उसमें हमें मेहनत न करनी पड़े, उसे बोलते हैं सुलभ। गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो व्यक्ति गांव में रहते हैं ऐसे लोगों को ग्रामीण कहते हैं, और जो शहर में रहते हैं ऐसे लोगों को शहरी कहते हैं। अपने देश
लीडर, जो किसी चीज से डर न डरे, ऐसे लोगों को बोलते हैं लीडर। जो पराजित ना हो, किसी से कोई हारे ना, हमेशा जीतता रहे, ऐसे लोगों जो पराजित ना हो उसे बोलते हैं अपराजित। तो ये आपके अनेक शब्दों के लिए जो भी शब्द हैं उसको आप पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।